जनाब अभी हम लोग आए हैं ये बीच आइलैंड में। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है बीच है यहाँ पर। क्रिस्टल क्लियर वाटर है यहाँ पर, पूरा नीला पानी है और ये समुंदर के पास है ये प्यारा सा बीच। और ये देख सकते हो पीछे है ये आइलैंड का जंगल। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पर नहाने के लिए एक घंटे के लिए टाइम दिया है, तो मैं उस पहले बार मीठे पानी के लेक में भी मैंने नहाया था। यहाँ पर भी इतना खूबसूरत ही जगह है, यहाँ पर भी मुझको नहाना है। बिकॉज ये जो टूर है गाइस कमाल का टूर है, 30 रिंगिट देकर मज़ा आ गया। 3 से 4 घंटे का ट्रिप अगर आप लंका भी में आ रहे हो दोस्तों, ये वाला ट्रिप तो ये चीज़ तो मिस करना ही नहीं, यू हैव टू डू इट। बिकॉज यहाँ पर जब आओगे ना आपका दिल तो खुश हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। पीछे देखिए इज अ मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट हम लोग जो इंडिया में सुंदरबन में है, ऐसे पीछे मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ऐसे ही एक बोट से, हम लोग का बोट भी उधर खड़ा हुआ है, बोट से जस्ट हम लोग आए हैं। ये देखिए सच अ ब्यूटीफुल प्लेस ओवर हियर। सो दोस्तों यहाँ पर 3 चीज़ का कम्बिनेशन है, 3 S का। ऊपर आप देख सकते हो ब्यूटीफुल सन, नीचे आप देख सकते हो ब्यूटीफुल सी, और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्यूटीफुल सैंड। सो यू कैन से इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 3 S मेकिंग दिस प्लेस सो मैजेस्टिक, मेकिंग दिस प्लेस सो ऑसम। सो ट्रस्ट मी दोस्तों, ये जगह तो जन्नत है, जस्ट जन्नत। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small, we can sit. तो जनाब आधा घंटा नहाने के बाद माई मूड हैज़ बिकम सुपर चिल, ऑल्सो वेरी मच फ्रेश। सो आप देख सकते हो अभी भी हम लोग के पास आधा से 40 मिनट और है, तो मैं सोच रहा हूँ और भी थोड़ा सा पानी को इन्जॉय कर लूँ। इस आइलैंड में कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है एक्सेप्ट सी बर्थ, तो यही बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे बीच आइलैंड में आकर अगर आप नई सी बर्थ ले रहे हो तो इस आइलैंड में आने का कोई मतलब ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई गाइस मैंने पूरा समय दिया, पूरा टाइम लेकर एंजॉय किया, इस आइलैंड को एक्सप्लोर किया। यहाँ तक मैंने गया था, यहाँ पर ज़्यादा दूर जाने का कंडीशन नहीं है, बिकॉज़ आगे जाकर रास्ता नहीं है और कुछ भी जगह नहीं है, घने जंगल है। तो यहाँ तक ही मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सका, वहाँ तक ही मैं गया। बट बहुत नहाया, बहुत एक्साइटमेंट हुआ, मेरे साथ भी बहुत यहाँ पर लोग जो है दे आर एंजॉइंग द मोमेंट ऑफ। ट्रस्ट मी दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर आई गॉट इन मलेशिया। इस आइलैंड में नहाने के अलावा और कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ तो नहीं है, बट यहाँ पर इस सी बीच में नहाना एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। आधा घंटे तक इस बीच में नहाने के बाद माय मूड हैज़ बिकम सुपर फ्रेश, एंड ट्रस्ट मी गाइस ये तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है मलेशिया में। अब इतना प्यारा सा बीच में आकर, इतना ब्यूटिफुल नेचर के लैप में बैठ कर, अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ भी नहीं भी कर रहे हो, जस्ट बैठे रहे हो, देख रहे हो, जस्ट वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल आइलैंड, जस्ट एक्सप्लोर
बोटिंग दिस ब्यूटीफुल सी और समुंदर में नहाना, ये सब कुछ मिलाकर ट्रस्ट मी गाइस, ये मोमेंट तो, ये टाइम तो, ये समय बहुत ही खास हो चुका है मेरे लिए। बट पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा आ सकूंगा क्या नहीं आ सकूंगा, बिकॉज आई डोंट नो ऑल दिस। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, जब तक हूँ, जितने टाइम मेरे पास है, हर मोमेंट को, हर सेकेंड को मैं ऐसे ही इंजॉय करना चाहता हूँ इन दिस लैप ऑफ मदर नेचर दोस्तों। सो ट्रस्ट मी इन वन वर्ड, मलेशिया जस्ट रॉक्स। काश समय को मैं बोल सकता, समय तू यहाँ पर रुक जा। काश मैं इस आइलैंड में कुछ और दिन स्पेंड कर सकता, पर दोस्तों क्या करें, हर एडवेंचर का एक लिमिटेड टाइम भी होता है। ये शुरू होता है जितना ही एक्साइटेड एक्साइटमेंट से, उतना ही एक सैड मोमेंट से ख़त्म भी हो जाता है। तो मेरा ये एडवेंचर, आइलैंड वाला एडवेंचर यहाँ पर ही ख़त्म हो रहा है। मुझको जाना पड़ेगा ये प्यारा सा आइलैंड, ये प्यारा सा सी बीच और इस ब्यूटीफुल समुंदर को छोड़कर। बट क्या करें, इट इज़ द फैक्ट, इट इज़ द लाइफ, मुझको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म कर रहा हूँ फ्रॉम दिस बीच आइलैंड। सो दोस्तों वन मस्ट थिंग, अगर आप मलेशिया में आ रहे हो, प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल आइलैंड्स। एंड सिर्फ 30 रिंगिट्स में आप पा सकोगे, ट्रस्ट मी, अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। सो वीडियो को मैं यहाँ पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। टू ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, नॉट विदाउट एनी रीज़न। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो।